नमस्कार, मेरा नाम राज कमल है। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और प्रतिदिन की तरह आपने लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम सुबह की चाय देखना शुरू कर दिया है। आज हम बिहार के उन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। आज की सबसे बड़ी खबर क्या है उस पर भी हम विस्तार से बातचीत करेंगे। सुबह की चाय के साथ हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर है। हम एक एक मुद्दे पर विस्तार से जानेंगे। सबसे बड़ी खबर आज की है, जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज पटना रहेंगे और पटना में बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बड़ी बैठक करेंगे। बैठक में क्या कुछ होगा हम इस पर विस्तार से जानेंगे। इसके साथ ही जगदानंद सिंह जो है कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अब वो आज पीसी करेंगे और बिजेंद्र यादव को जवाब देंगे। आपको बता दें कि पिछले दिनों बिजेंद्र यादव ने उनकी पोल खोल दी थी। क्या कुछ होगा, पूरा मामला क्या है, इस पर भी हम विस्तार से जानेंगे। वहीं एक तरफ जहां जेपी नड्डा आज पटना आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के मजबूत सिपाही मनीष वर्मा बिहार में यात्रा पर है। बिहार में जो पुराने साथी हैं नीतीश कुमार के, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। क्या इसका मायने है चुनाव से पहले, इस पर भी हम विस्तार से जानेंगे। इसके साथ ही अब स्मार्ट मीटर के खिलाफ बिहार में बवाल छिड़ा है। मांझी ने भी स्मार्ट मीटर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम सीएम और ऊर्जा मंत्री से बातचीत करेंगे। जितना मांझी ने क्या कुछ कहा है, हम इस पर भी विस्तार से जानेंगे। इसके साथ ही पिछले दिनों चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच अहम मुलाकात हुई। सियासी हलचल के बीच यह मुलाकात काफी खास मानी जा रही है। अंदर में क्या कुछ हुआ, अंदर खाने में क्या कुछ हुआ, सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी के पास पूरी जानकारी है। हम इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। सुबह की चाय में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जेपी नड्डा बिहार पटना में रहेंगे, क्या है पूरा कार्यक्रम? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनका बिहार दौरे पर आना एक दिवसीय दौरा और बहुत ही शॉर्ट दौरा है। और उस जो अब तक शेड्यूल मेरे पास है, हम लोग लाइव सिटीज के पास जो शेड्यूल मिली है, उनके अनुसार वह पटना आएंगे और पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से निकलने के बाद वह पटना के जो सप्तमूर्ति है आर ब्लॉक के पास में सचिवालय के निकट, पुराने सचिवालय के निकट वहां पर जाएंगे और वहां पर जो सप्तमूर्ति जो शहीदों को वह नमन करेंगे, याद करेंगे। उसके बाद वह वहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय वीरचंद पटेल पथ पर जो है वहां जाएंगे और वहां पर वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, तमाम जो बड़े और वरिष्ठ नेता हैं, जो कोर कमेटी के सदस्य हैं, उनसे वह बातचीत करेंगे। और पहले तो जो जानकारी छन करके आ रही है, वह भाजपा अध्यक्ष और दोनों डिप्टी सीएम और कुछ चुने हुए जो बड़े और कद्दावर नेता हैं, मंगल पांडे समेत कुछ बड़े नेताओं के साथ वह मीटिंग करेंगे। फिर उसके बाद कई जो भाजपा के अन्य जो प्रकोष्ठ हैं उनके साथ बैठक करेंगे। फिर वो एक एक करके कई कद्दावर नेताओं के साथ, जो भाजपा के जो नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, उनसे भी वह राय मशवरा करेंगे। और जो लग रहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव की वह के तैयारी को लेकर के ही यह भारतीय जनता पार्टी की यह रणनीति है कि जेपी नड्डा आज पार्टी कार्यालय में, प्रदेश मुख्यालय भाजपा में वो बैठक कर रहे हैं और उसमें बड़ी लंबी चौड़ी वो चर्चा होती हुई आज दिखाई पड़ेगी आपको। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं और तमाम 2025 में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जितने भी 243 सीट है उस पर किस तरीके से अपने एनडीए फोल्ड और भारतीय जनता पार्टी अपने लिए कहां तक वो मैक्सिमम स्ट्राइक रेट कर पाएगी, इस पर ही चर्चा। मतलब चुनाव से पहले, 2000 चुनाव से पहले इस बार बीजेपी एकदम मूड में है, एक्शन में है। लगातार जेपी नड्डा जो है कि बैठक कर रहे हैं, खास करके पटना उनका आना जाना लगा है। देखिये, इससे पहले भी जेपी नड्डा पिछले दिनों आए थे और उसके बाद से वह ऑल ऑफ ए सडन वह जो है सो नीतीश कुमार के यहाँ चले गए थे मिलने के लिए, अचानक कोई सोचा भी नहीं था। हाँ, तो वो उनके शेड्यूल में था भी नहीं, तो वो चले गए मिलने के लिए। तो इस बार भी देखने वाली बात होगी कि कल वो आते हैं तो नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात होती है कि नहीं, क्योंकि देखिए
जेपी नड्डा भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है और नीतीश कुमार भी अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो ऐसे में हो सकता है, यह संभावना जताई जाती है, कोई जरूरी नॉट नेसेसरी कि वो शेड्यूल में हो, वो दोनों बड़े नेता हैं और अपने ही फोल्ड के, अपने घटक दल के अलायंस पार्टनर हैं, तो हो सकता है कि नीतीश कुमार से भी मुलाकात हो सकती है, लेकिन अभी तक यह ऑफिशियल शेड्यूल में नहीं है। तो पिछली बार भी जब जेपी नड्डा आए थे तो ऑफिशियल शेड्यूल में नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बिहार हैं और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह शेड्यूल में नहीं था। हालांकि आज तो देखने वाली बात होगी कि जेपी नड्डा का पूरा कार्यक्रम क्या क्या रहता है। अब एक तरफ जहां बीजेपी एक्शन में है, लगातार तैयारी कर रही है, इस बीच अब नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं मनीष वर्मा, वो भी यात्रा पर निकल गए हैं, पुराने साथियों से मिल रहे हैं। देखिए, मनीष वर्मा जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और भारतीय प्रशासनिक सेवा के, एक तरह से कहें वो बड़े ही थिंक माने कड़क अफसरों में गिनती होती थी, लेकिन वह काम करने के लिए जाने जाते थे और वह सॉफ्ट स्पोकन है, वो सबसे मिलनसार हैं। आप कितना भी आप देख लीजिए, वो जितने दिन वो पार्टी कार्यालय में बैठते हैं, उनके पास में गहमा गहमी लोगों का आना जाना, और सबसे वह मिलते हैं और उनका मिलने का एकमात्र उद्देश्य जो हम समझ और देख पाए कि वह सरकार की जो लाभकारी योजनाएं हैं, केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, दोनों ही एनडीए की सरकार है और डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार का लाभ जो है सो आम आवाम तक अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों को मिल पा रहा है कि नहीं, इस बात को एक तरह से वह जानना चाहते हैं जी। और अगर नहीं मिल रही है तो वह किस कारणों से, किन कारणों से और कैसे नहीं मिल रही है, इस पर भी वह पार्टी कार्यालय में या अपने उनके जो यहां पर आवास है उसमें भी सुबह से लेकर के 11 बजे तक लोगों का आने जाने का तांता लगा रहता है। और अभी अभी वह निकले हुए हैं कार्यकर्ता समागम करते हुए, मुजफ्फरपुर में है और मुजफ्फरपुर में लगातार वह अपने कार्यकर्ताओं से, जदयू के कार्यकर्ताओं से, एनडीए के कार्यकर्ताओं से और वैसे लोगों से वह मिल करके वह इकट्ठा करने में लगे हैं कि क्या सरकार की जो योजना है, लाभकारी योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं, उसका लाभ कहां तक लोगों को मिल रहा है और कहीं किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। तो ये निश्चित रूप से यह नीतीश कुमार के वह मजबूत सिपाही हैं और राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो इस लिहाज से, और देखिए सबसे बड़ा बात है कि वह आईएएस अधिकारी रहे, तो उनका विजन, उनके काम करने की क्षमता, उनके उनका विजन ही सबसे डिफरेंट होता है। तो इस लिहाज से मनीष वर्मा का घूमना जेडीयू के लिए, एनडीए के लिए बहुत ही लाभकारी दिखाई पड़ रहा है जी। और चर्चा यह भी है कि जितने भी जनता दल के समय से नीतीश कुमार के साथ जो साथी थे उनसे भी मिल रहे हैं, उनको भी अब साथ लाने की कोशिश की जा रही है, अगर कोई भटक गया है तो। नहीं नहीं, देखिए वो तो अलग विषय है, वो लाना नहीं लाना वो तो अलग विषय, लेकिन इनका फोकस वही है। और देखिए अब उनकी जो यात्रा है, समागम यात्रा, यह 20 जनवरी तक चली जी, तो इस लिहाज से यह जो यात्रा, इसमें पूरे जिले को वो घूमेंगे और पूरे एक एक जो कार्यकर्ता है जेडीयू के उससे वह बात करते सीधे बातचीत करेंगे, बातचीत कर रहे हैं सीधे, वो उसी से बातचीत कर रहे हैं। जेडीयू को काफी मजबूती मिलेगी। स्मार्ट मीटर को लेकर बिहार में घमासान छिड़ गया है। पिछले दिनों बिजेंद्र यादव ऊर्जा मंत्री जो है वो पोल खोल दिए थे, कैमरे के सामने दिखा दिए थे कि जगदानंद सिंह आरोप लगा रहे हैं स्मार्ट मीटर पे, लेकिन उनका तो बिजली बिल कम हो गया है। अब उसको लेकर आज जगदानंद सिंह आरजेडी कार्यालय में बिजेंद्र सिंह की पोल खोलेंगे, क्या ये पूरा मामला क्या है? देखिए स्मार्ट मीटर को लेकर के पूरे बिहार में जिस तरीके से है तौबा मचा हुआ है, लोग कह रहे हैं कि हमारा पहले मीटर का ये आता था, बिल आता था, अब बिल बढ़ गया है जब से स्मार्ट मीटर लगा है। तो इस लिहाज से स्मार्ट मीटर को लेकर के निश्चित रूप से पूरे बिहार में कहीं ना कहीं उबाल है लोगों में जी। और इसके बावजूद पिछले दिनों नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बिहार हैं, उन्होंने भी इसकी समीक्षा बैठक की और उन्होंने तो कह दिया है कि अब जो है सो 2025 तक एक एक घर में जो स्मार्ट मीटर लग जाएगा, नीतीश कुमार के भी है और ऊर्जा मंत्री पिछले दिनों बिजेंद्र यादव ने भी बैठक की थी, उसमें भी उन्होंने कहा है कि एक एक घर में बिजली में स्मार्ट मीटर लगेगा और हमको हर घर में, तो जैसे नीतीश कुमार ने कहा था हर घर तक बिजली पहुंचाना है, तो हर घर में अब तो बिजली पहुंच गई, अब स्मार्ट मीटर को टारगेट किया जा रहा है हर जगह, लेकिन वह उठा पटक इसमें लगा हुआ है। निश्चित रूप से जगदानंद सिंह जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वह अपने तमाम गठबंधन के अलायंस के साथ इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से पिछले दिनों और कांग्रेस के प्रभारी हैं उनसे भी उन्होंने
मिलकर के बात की, क्योंकि ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है कि आरजेडी की ओर से 1 अक्टूबर से सड़क पर जो है सो उतरा जाएगा स्मार्ट मीटर के खिलाफ में। तो ये एक बात हुई। और पिछले दिनों जो ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बजापता जो है सो दिखाया कि 3 मीटर जो है सो जगदानंद सिंह के पटना स्थित आवास पर लगा हुआ है, उसमें जब से उनके मीटर स्मार्ट मीटर लगा है तब से 17% बिजली जो है सो माने जो बिल है वो कम, उसमें कमी आई है। तो ये फिर किस तरह से माने राष्ट्रीय जनता दल के लोग दावा कर रहे हैं कि स्मार्ट मीटर से ये गड़बड़ी हो रही है, वो गड़बड़ी, तो ये इसी को लेकर के आज फिर उसी पर काउंटर अगर यदि कहा जाए तो जगदानंद सिंह आरजेडी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होना है और उसमें वह निश्चित रूप से जवाब देते हुए दिखाई पड़ेंगे ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के। क्योंकि देखिए ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव भी बहुत कड़क हैं और जगदानंद सिंह भी कड़क मिजाज के हैं, दोनों ही का मिजाज कड़क है। तो ये उसमें दोनों तरफ से अब स्मार्ट मीटर को लेकर के निश्चित रूप से बिहार के लोगों को कुछ अब छिड़ गई। हाँ, बिहार के लोगों को भी इसमें कुछ पता चलेगा कि क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है और प्रतिपक्ष के पार्टी जो है जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसके प्रदेश अध्यक्ष क्या कर रहे हैं। क्योंकि प्रतिपक्ष का काम ही है जनता की आवाज को उठाना, सीधे तौर पर सरकार में रखना। मांझी जी खुद घटक दल के नेता हैं, उन्होंने भी अब स्मार्ट मीटर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, बोल रहे हैं कि हम सीएम से ऊर्जा मंत्री से बात करेंगे। देखिए जीतन राम मांझी घटक दल के नेता ही बने, पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के और नरेंद्र मोदी कैबिनेट में वह सेंट्रल मिनिस्टर है वो जी। तो इस लिहाज से उनके बोलने के बाद का कुछ मायने होता है। तो जिस लिहाज से वह कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर को लेकर के कुछ गड़बड़ी की जानकारी उनके पास भी है और इस सिलसिले में वह जो है सो मुख्यमंत्री बिहार और ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव से भी मिलेंगे, तो निश्चित रूप से समझने वाली बात है कि जब वही सवाल खड़ा कर रहे हैं जो रूलिंग पार्टी में है, एनडीए के घटक दल है, अलायंस है और वही सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो यह सोचा जा सकता है कि निश्चित रूप से स्मार्ट मीटर को लेकर के जो देखिये जीतन राम मांझी जो है सो निश्चित रूप से जिस इलाके से आते हैं गया से, उसमें वह जो दूर दराज के ग्रामीण इलाके पिछड़ा इलाका है, हाँ, तो वो निश्चित रूप से तो उनके पास जो जानकारी मिली होगी उस जानकारी के लिहाज पर ही वह कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर को लेकर के कुछ गड़बड़ी है। तो वह गड़बड़ी क्या है इसी को वह उजागर करेंगे और दिखाई पड़ रहे हैं और वही मुख्यमंत्री और जो है सो ऊर्जा मंत्री से वो मिलने की बात कह रहे हैं जी। बिहार में सियासी बवाल के बीच एक खबर निकल करके सामने है, पिछले दिनों चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से मुलाकात की, मुलाकात में क्या कुछ हुआ अंदर खाने में? देखिए चिराग पासवान नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर है जी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो वो एनडीए फोल्ड में है मजबूत पार्टनर है, क्यों तो वो ऐसे में नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री बिहार जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं, तो इस लिहाज से चिराग पासवान का मिलना कहीं ना कहीं वह दिखाता है कि बिहार के विकास में किस तरीके से उनकी पार्टी चिराग पासवान की पार्टी की क्या भूमिका होगी और विकास का सर्वांगीण विकास की जो बात होती है तो सर्वांगीण विकास में क्या भूमिका होगी इस पर भी चर्चा। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान किस चीज के सेंट्रल मिनिस्टर है, खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय उनके पास में है, तो खाद्य एवं प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग जो डिपार्टमेंट है उसके लिए उससे संबंधित भी जो है सो उनकी संभवतः चर्चा हुई है नीतीश कुमार से कि कैसे इसमें क्या किया जाए बिहार को फायदा, हाँ, कि बिहार में क्या किया जाए उनके मंत्रालय की ओर से कि बिहार के लोगों को आम आवाम को फायदा हो और जो रोजगार देने की बात है वह रोजगार के मुद्दे पर, तो इस सब मुद्दों पर नीतीश कुमार से बात होना निश्चित रूप से दोनों नेताओं के बीच तो एक बिहार के लिए बेहतर संकेत है, शुभ संकेत है, शुभ संकेत है चिराग और नीतीश की मुलाकात। तो आपने बिहार में आज क्या क्या होने वाला है, पिछले दिनों भी क्या क्या हुआ, आपने तमाम मुद्दों पर सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से विस्तार से जाना। आज जेपी नड्डा पटना में रहेंगे, क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही जगदानंद सिंह किस तरीके से आज विजेंद्र यादव को जवाब देंगे इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर ये खबर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर ये खबर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।